कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर खो गया है या कह लीजिए बीमे का कागज़ खो गया है और आपको आपकी गाड़ी का पॉलिसी नंबर भी नहीं मालूम है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर पता कर सकते हैं और उसके बाद अपने इंश्योरेंस पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा एम परिवहन। आपके सामने देखिए नंबर फर्स्ट पर एप्लीकेशन आएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा, आपको पर स्किप का ऑप्शन दिखेगा, स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आकर आपको अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चूज करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें साइन इन करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए थ्री लाइन्स दिखेंगी, थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है, साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, साइन इन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको डाल देना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, तो आप इसमें साइन इन यानी लॉगिन कर जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना इंश्योरेंस पेपर डाउनलोड करने के लिए पॉलिसी नंबर पता करना चाहिए, जो कि हमें अभी मालूम नहीं है। तो पॉलिसी नंबर पता करने के लिए आपको एम परिवहन ऐप में आना होगा, साइन इन करना होगा और यहां पर आने के बाद आपको आरसी डैशबोर्ड पर क्लिक करके एंटर आरसी नंबर पर क्लिक करके आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है और सर्च पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके सामने आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी गाड़ी का चेचिस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालने होंगे और यहाँ पर इंजन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालने होंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है। आपकी जो गाड़ी की आरसी है आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी गाड़ी की आरसी इस तरीके से शो होने लगेगी, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी लिखकर आ जाएगी और इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर लिखकर आ जाएगा, तो आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर को कॉपी कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और आपको इसको नोट करने के बाद यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। आपके सामने देखिए इस तरीके की एप्लीकेशन आएगी, इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन करते हैं। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें भी लॉगिन करना होगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका इसमें अकाउंट बना हुआ है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है, और अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं बना है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसमें साइन इन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना 6 डिजिट का पिन डाल के साइन इन पर क्लिक करना है। अब आप इसमें लॉग इन कर गए हैं, यहाँ पर आपको देखिए सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऊपर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है इंश्योरेंस टू व्हीलर। अब दोस्तों इस तरीके से आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी टू व्हीलर। अब यहाँ पर जिस कंपनी का भी दोस्तों आपका इंश्योरेंस था, जैसे बजाज का था, तो आपको बजाज पर क्लिक कर देना है। हमारा दोस्तों देखिए टू व्हीलर का था, जो ICICI का था, ICICI का, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी ICICI पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा,
यहाँ पर आपका ऊपर नाम ऑलरेडी लिख कर आएगा। यहाँ पर जो अभी आपने पॉलिसी नंबर कॉपी किया था, जिस पेज का स्क्रीनशॉट लिया था, पॉलिसी नंबर लिखा था, उस पॉलिसी नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। और इंश्योर डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके इंश्योरेंस में लिखी हुई है, और गेट डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट इशू होंगे उसी लिस्ट में देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी टू व्हीलर करके आ जाएगी। अब आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगी। और आपको अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिए, तो आपका जो ये गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सो दोस्तों इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर खो गया है तो आप इस तरीके से अपने इंश्योरेंस पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख सकते हैं।